हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा में। दोस्तों, यहां पे बिहार पैरामेडिकल बिहार पॉलिटेक्निक वालों का यहां पे एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया गया है। अभी अभी यह नोटिस आई है और आपके लिए यह नोटिस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन दिनों आपके द्वारा जो भी क्वेश्चन था उसकी सारी यहाँ पे क्वेश्चन की डाउट आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एडमिट कार्ड आप लोग सबसे पहले कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आपकी कौन सी सेंटर अलॉट है, आपकी एग्जाम की टाइमिंग क्या है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस वक्त देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं और आप सभी को यहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आ जानी है और यहां पे जो फर्स्ट नंबर में जो शो हो रहा है लिंक, उस पे आप लोगों को क्लिक करनी है। तो लिंक क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCCP PPE PM PMM 2022। हां जी, तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर देनी है। जैसे ही इस पे आप लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और ऐसा इंटरफेस आने के बाद फिर से आप लोगों को फर्स्ट वाले लिंक पे ही क्लिक करनी है। हाँ जी, यानी जो भी विद्यार्थी को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, अगेन से फिर उसी लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो फिर से हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है और ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप सभी को जैसा कि मैं आप सभी को बता रखा था कि जो भी आपके पास जीमेल एड्रेस और आपके पास पासवर्ड दिया गया है, सेम वही जीमेल आईडी पासवर्ड आपको यहां पे फिल करने के बाद आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए मैं यहां पे फिल कर आपको दिखाता हूं अपना एडमिट कार्ड कैसे आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन से दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना एक बार फिर से जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया हूँ और यहाँ पे आप लोगों को साइनिंग बटन पे क्लिक कर देनी है। हाँ जी, ये एक स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड सेंड किया गया था, उन्हीं का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे साइनिंग आप लोगों को क्लिक कर देनी है, साइनिंग की बटन पर। तो जैसे ही आप सभी साइनिंग की बटन पर क्लिक करते हैं तो सेम हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है और ऐसा इंटरफेस आने के बाद जहाँ एक्शन लिखा हुआ है जस्ट उसके नीचे आप लोगों को डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन भी अब शो होने लगी है। सो आप सभी यहां पे इस लिंक पे क्लिक करोगे और इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आइए यहां पे देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है। तो ये देखिए, हमारे सामने इन स्टूडेंट का यहाँ पे पीएम के लिए ये फॉर्म को अप्लाई किए थे, इनका कोर्स था और इनका यहाँ पे एडमिट कार्ड निकल कर आ चुकी है। तो इनका सेंटर कहाँ अलॉट किया गया है, इनकी एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो कहाँ इनको मिली है, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको सेंटर को लेकर यहाँ पे सबसे पहले मैं नोटिस कर देना चाहता हूँ। हाँ जी, तो देखिए जो एग्जामिनेशन सेंटर यानी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग देख सकते हैं, फ्लोर स्कूल जेपी नगर डीघा घाट पटना। हाँ जी, इनको पटना में इनको मिल चुका है सेंटर जहाँ पे इन्होंने एग्जाम के लिए इनको जाना है, ठीक है। तो आप सभी का भी ऐसे ही सेम यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कर आपके सामने भी जो भी आप लोगों को एग्जामिनेशन का सेंटर अलॉट किया गया होगा सेम यहीं पे आपकी शो होगी। अगर सेंटर कोड की बात किया जाए तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनको एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या दी गई है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइमिंग, हाँ जी, तो रिपोर्टिंग टाइमिंग 10 तारीख को यहाँ पे उनको 8 बजे यानी मॉर्निंग में 8 बजे वहाँ पे रिपोर्ट कर देनी है, ठीक है। सो आप लोग भी इस टाइम को लेकर काफ़ी प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि अगर इसे लेट होती है तो आप लोगों को एंट्री नहीं दिए जा सकता है, एग्ज़ाम में आप लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को टाइमिंग को लेकर आप लोग एकदम रेडी रहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए निर्देश यहाँ पे दिया गया है, इतना तो गाइज पॉसिबल नहीं है बताना, बट यहाँ पे जो भी कंडीशन यहाँ पे दिया गया है आप लोग इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानियाँ अगर आपको होगी तो आपको ज़रूर मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कीजिएगा, सर इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आपकी हेल्प यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आइए यहाँ पर इसको तो आप लोगों को पहले की जो ये एडमिट कार्ड है इसे आप लोग निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, वो भी कलर प्रिंट निकालिएगा, ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर अपना यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर
लेक्चर करेंगे, फिर उसके बाद जहां आप लोग जाएंगे वहां पे एग्जाम सेंटर पे आप लोगों की यहां पे अधिकारी जो होगा वहां का भी वो यहां पे सिग्नेचर करेगा। और उसके बाद आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लिया जाए, जो भी आपकी परीक्षा कार्यक्रम की जो भी व्यवस्था यहां पे है क्या उसकी टाइमिंग शेड्यूल क्या बताई गई है। तो जो डेट है वही 10/9/10 डेट है पीवी के लिए और पीएम और पीएमएम के लिए यहां पे 10 है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो समय सीमा यहां पे निर्धारित की गई है, तो आप लोगों की यहां पे ये पॉलिटेक्निक और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक 11 बजे से लेकर 1:15 तक रहेगी, और सेम वही यहां पे पीएम के लिए भी सेम वही टाइम रखा गया, बट यहां पे पीएमएम वालों के लिए यहां पे समय को चेंज कर दिया गया, यानी 2 बजे से लेकर यहां पे 4:15 तक इनकी रहेगी, ठीक है। और नीचे में एक 2 नंबर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो परीक्षा कक्ष में परिवेश के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले प्रत्येक विद्यार्थियों को अपना स्थान ग्रहण कर लेना है तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो 10 मिनट के यानी जो टाइमिंग यहाँ पे सेट की गई उसके 10 मिनट पहले आप लोगों को जाकर अपने जगह अपने स्थान पर जाकर वहाँ पे बैठ जाना है, आपको प्रवेश के लिए एंट्री मिल जाएगी। अदरवाइज अगर 10 मिनट से आप लोग लेट करते हैं तो आप लोगों को एंट्री नहीं दिया जाए। आई होप आप सभी को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो, कि अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम।